ग्यारहवीं शताब्दी में महान संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। वैष्णव संप्रदाय में उनकी बड़ी मान्यता है और उसी को सम्मान देने के लिए आज तेलंगाना के शमशाबाद में संत रामानुज की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। मूर्ति के अनावरण के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी शमशाबाद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर शमशाबाद में तैयारियां भी जबरदस्त है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामानुज की प्रतिमा और मंदिर परिसर को तैयार करने में करीब 1000 करोड़ का खर्च आया। भारत के महान वैष्णव संत रामानुज की भव्य दिव्य और अद्भुत प्रतिमा तैयार है अनावरण के लिए। हिंदुस्तान का इतिहास सनातनी है, इसे साधु संतों का देश भी कहा जाता है और इसी देश में संतों को ईश्वर का दर्जा भी दिया गया है। 11वीं शताब्दी में रामानुज या रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था, जिनकी 1000वीं जयंती एक अलौकिक उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। रामानुज संप्रदाय ने अपने संत के सम्मान में समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण कराया है। पूरी दुनिया में बैठी हुई मुद्रा में ये दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है और विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाली इस प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये प्रतिमा हैदराबाद के पास शमशाबाद में बनकर तैयार है और खास बात ये भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस गरिमामयी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बढ़ा मूर्ति जो है अभी जो 216 फुट वाला, इन मूर्ति की आविष्कार के लिए अपना जो भारत प्रधानी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं 5 तारीख को वसंत पंचमी के दिन। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को 13 दिन के अंतराल में बांटा गया है, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी से हो चुकी है। इस आयोजन को रामानुज सहस्त्राबदी समारोहम का नाम दिया गया है। चिन्ना जियर स्वामी जी रामानुज संप्रदाय के आध्यात्मिक प्रमुख भी हैं और रामानुज की प्रतिमा के प्रस्तावक और संस्थापक भी। प्रधानमंत्री मोदी आज यहां पहुंचेंगे, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक शमशाबाद में पीएम दौरे को सुरक्षित रखने के लिए 7000 पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। हर किसी पर नजर रखने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरों को तैनात किया गया है। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार पाए। हमारे को जो माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी भारत की प्रधानमंत्री यहाँ पर आने की आशंका है। इनॉग्रेशन करके स्टैचू इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट होने की, रामानंदा स्टैचू का इनॉग्रेशन की हिसाब से हम बंदोबस्त अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसको हम हैदराबाद से जो आने का 16 रूट के हिसाब से डिवाइड करके यहाँ गूगल में भी अपलोड करे हैं। जो डिवोटीज आ रहे सो दे शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। पीएम मोदी के अलावा देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी 13 फरवरी को यहाँ आएंगे और गर्भगृह में स्थित रामानुजाचार्य की 120 किलो स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सिर्फ पीएम मोदी और राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि 13 दिन तक चलने वाले इस समारोह में कई केंद्रीय मंत्री और दूसरे गणमान्य शख्स शामिल होंगे। अंदर विराजमान होने वाला जो स्वर्णमय मूर्ति है और उसी की जो कार्यक्रम है, जो लोकार्पण कार्यक्रम में इस देश का जो सर्वप्रथम व्यक्तित्व जो राष्ट्रपति बोलते हैं वो महान आ रहे हैं, वो 13 तारीख को यहाँ पर पधार रहे हैं और अपना गृह मंत्री और अपना रक्षक मंत्री और कई विभूतियां यहाँ पर आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि संत रामानुज सहस्राब्दी समारोह में कौन कौन शमशाबाद में पधारने वाले हैं। पीएम मोदी के बाद 6 फरवरी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आएंगे, 7 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 8 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह, 9 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना भी समारोह का हिस्सा हो सकते हैं। ये साधु संत महात्मा हैं जो वरिष्ठ व्यक्तित्व
उन सबको भी आह्वान दिया गया है जो शैव संप्रदाय से हैं, कुछ लिंगायत संप्रदाय से हैं, कोई मंडलेश्वर बोलते हैं जो उत्तर में रहते हैं, और कोई दक्षिण में विद्यमान जो आधीनम बोलते हैं, और कई जीयर महात्मा लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। उन सबका आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चलने वाला है। 14 फरवरी के बाद पंचलोहा धातु से बनी संत रामानुज की ये अद्भुत और अविश्वसनीय प्रतिमा भारत और दुनिया के लिए समर्पित हो जाएगी। खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी इस पूरे समारोह पर नजर बनाए हुए हैं। आखिर 216 फीट की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना के लिए किसी गर्व से कम नहीं है। यहाँ जो कुछ भी आपको दिख रहा है इसमें किसी का योगदान नहीं, हम सारे कार्यकर्ता हैं, स्वामी जी का ही योगदान है। ये सारा प्लान, ये सारा चीज, क्योंकि स्वामी जी चाहते हैं रामानुजाचार्य जी जो इक्वालिटी के बारे में सब लोगों को एक ही नज़र से देखने के जो उनका फिलॉसफी था वो सारी दुनिया में फैल जाए और दुनिया सुख रहे, शांत रहे, उसका प्रबोध स्वामी जी का जो रामानुजाचार्य का जो बोधन थे उसको सारा दुनिया फॉलो करे। हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में न सिर्फ संत रामानुज की प्रतिमा है बल्कि दूसरे कई भवन भी मौजूद हैं। आंख, मन और आत्मा को सुकून पहुंचाने वाली रामानुजाचार्य की ये मूर्ति भारत के आध्यात्मिक गौरव अध्याय का एक अहम पन्ना बनने वाला है। भारत में समानता की बात करने वाले महान संत रामानुजाचार्य के जन्म के हजार साल पूरे हो चुके हैं और उनकी याद में हैदराबाद से सटे शमशाबाद में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है और यहाँ पर संत रामानुजाचार्य की एक भव्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी दिया गया है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। आशीष पांडे, शमशाबाद आज तक।